मत मार मुझे कोख में माता, मुझको भी धरती पर आने दो। मत मार मुझे कोख में माता, मुझको भी धरती पर आने दो। बेटे के जैसा मुझको भी तुम अपना प्यार पाने दो। मत समझो फर्क बेटे बेटी में ए माता, थोड़ा इतिहास मुझे भी लिख जाने दो। जी हाँ, मैं राणा कुमार केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार में आज उपस्थित हूँ बेगूसराय नगर निगम के विष्णुपुर मोहल्ला में। विष्णुपुर मोहल्ला का वह मोहल्ला जो अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ शर्मा टोली में, जहाँ की एक बेटी आज नेशनल स्तर पर अपना नाम दर्ज करवा कर आई है। जी नाम है उनका अंकिता। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, उनसे रूबरू करवाऊंगा कि किस क्षेत्र में वो आज नेशनल स्तर पर बेगूसराय जिला ही नहीं वरन बिहार का नाम रोशन करके आई है। वो बिहार ही नहीं, बिहार और झारखंड दोनों राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी और नेशनल स्तर पर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। हमारे साथ अंकिता हैं। सबसे पहले अंकिता को हम अपने केवी स्टूडियो परिवार की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं कि आपने ये मेडल बेगूसराय के नाम, बिहार के नाम किया। अंकिता, सबसे पहले ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र का तो परिवेश मैंने बता दिया दर्शकों को, आप ये बताएं कि आपका पारिवारिक परिवेश कैसा है, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं आप? सर, मेरे पापा कारपेंटर हैं, जो कि मतलब मजदूरी करते हैं ऐसे ही, मतलब कहीं भी घर में जाके कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं। और मम्मी हाउसवाइफ हैं, उनको मतलब टेलर का भी काम करते हैं वो, तो उसे थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता है। यूँ कहा जाए कि आपकी माँ जो है सो माँ भी एक तरह से मजदूरी हो गया, टेलर का काम करना, और पिता भी मजदूर हैं। और एक मजदूर की बेटी आज देख लीजिए कि नेशनल स्तर पर दो दो मेडल लेकर के आई है। अंकिता, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? मेरा जब मैं बच्ची थी तो हिमाचल में थी, वहाँ पर मेरा फर्स्ट 9th क्लास तक मैंने क्लास किया, मतलब वो किया। हिमाचल जाना कैसे हुआ? हिमाचल सर, पापा तो वहीं पर काम करते थे, पापा वहीं मजदूरी करते थे। यस सर। अच्छा, तो कितने क्लास तक आप वहाँ पढ़ी थी? 9th तक। 10th की पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? 10th मेरा यहाँ पर बिहार में हुई है, MRJD से। उसके बाद मैं 11th में JD कॉलेज में चली गई, अभी मैं वहीं पर पढ़ रही हूँ, JD कॉलेज। आपके जो ये गले में तगमा है गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल का, ये तगमा कैसे मिला, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, ये बताइए। RCC कैंप होता है तो उसमें मतलब फायरिंग का, किस विभाग का होता है? NCC शूटिंग फायरिंग होता है, उसमें ओनली फॉर फायरिंग होती है। तो फिर यहाँ से मतलब कि जो हमारा कॉलेज है JD कॉलेज, उसमें बोला गया कि जिसको फायरिंग में इंटरेस्ट है वो अपने मतलब बटालियन जाए, बरौनी में जाए। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे कॉलेज और स्कूल के बच्चे आए हुए थे, तो वहाँ पर मतलब सिलेक्शन होते होते कितने दिन तक बरौनी में आपका चला ये ट्रायल? ये सिलेक्शन प्रोसेस हमारा 1-2 महीने तक चला। 2 महीने तक? हाँ, 1-2 महीने। और उसमें लगभग कितने बच्चे थे उस ट्रायल में? तो लगभग अंदाज होगा 100-200 हजार, 300-400 के आसपास। 300-400 के? हाँ। तो 300-400 का प्रतिनिधित्व आपने करते हुए उसमें अपना सिलेक्शन करवाया क्या? उसके बाद फिर बिहार स्तर पर हुआ होगा कि यहीं से आपका सिलेक्शन आगे हो गया? यहाँ से पहले मुजफ्फरपुर गए, वो ग्रुप वाइज होता है। तो हमारा भागलपुर ग्रुप है और मुजफ्फरपुर बहुत मतलब है ग्रुप है। तो उसके बाद हम मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फिर हमारा सिलेक्शन होता, फिर हम सिवान गए। सिवान में हमारा लास्ट सिलेक्शन था, मतलब बिहार एंड झारखंड की 19 कैडेट थे हम सब, 19 कैडेट थे। तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन हुआ, तो हम DGNCC की मतलब DGNCC की टीम में सिलेक्ट होने के लिए फिर हम चंडीगढ़ गए, वहाँ पर कैंप था IDSSC का। तो वहाँ पर फिर हम बहुत सारे डायरेक्टर के बच्चे आए थे, 17 डायरेक्टर होते हैं वहाँ पर। अच्छा। जिसमें से बिहार झारखंड एक हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली होता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ भी मतलब बिहार झारखंड पहले तो 17 नंबर पे आता था, लेकिन अभी हमारी मेहनत के बाद मतलब बाद तो ये 3 नंबर पे आया है इस बार। 3 नंबर पर, 17 से आपने आपके मेहनत से तीसरे नंबर पर आ गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जैसे बताया 17 करके बटालियन करके, तो जैसे बिहार और झारखंड मिलाकर एक बटालियन है, तो इसी तरह और संयुक्त करके बना होगा, तो उसमें लगभग भारत के कितने देश राज्य के आए थे? जैसे 28 राज्य हैं भारत में, तो लगभग कितने राज्य के वहाँ प्रतिनिधि थे वहाँ पर? तो और सभी थे ना, तो उन सब का जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वो एक डायरेक्टेड हो गया। अच्छा। और हमारा बिहार एंड झारखंड एक डायरेक्टेड हो गया, दिल्ली एक, फिर उसके बाद तेलंगाना। कहा जाए कि पूरे भारत से प्रतिभागी थे, तो पूरे भारत से कितने प्रतिभागी लगभग वहाँ थे जब आप नेशनल में गए हरियाणा चंडीगढ़ खेलने के लिए? तो वहाँ पर कितने प्रतिभागी लगभग थे जिसके बीच आपको बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व करना पड़ा? वहाँ भी शायद 300 के 350 कर। 300 का? कितने दिन वहाँ चला था कंपटीशन? 10 दिनों का। 10 दिनों का? आप सुन रहे हैं कि 10 दिनों का मेहनत इस बच्चे का, जो बिहार में ही नहीं, बिहार में तो बरौनी, मुजफ्फरपुर, सिवान में इन्होंने ट्रायल दिया, उसके बाद जब सिलेक्शन इनका होता है बिहार झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो ये जाते हैं हरियाणा के चंडीगढ़ शहर में, जहाँ पूरे भारत से लगभग 300 से 400 के बीच प्रतिभागी आते हैं। और उनमें आज से पहले बिहार झारखंड यूनिट बटालियन जो 17वें स्थान पर रहती थी, आज इस बेटी के कारणों में से तीसरे स्थान पर आ गई है। आप निश्चित रूप से आशीर्वाद इन्हें देंगे कमेंट्स में, और वो आशीर्वाद अपने इस विजुअल को दे करके हमारी बेटी आगे जरूर बढ़ेगी। इस बेगूसराय की बेटी, बेगूसराय ही नहीं कल भारत का भी नाम रोशन करेगी, तो आपका आशीर्वाद भी इसे चाहिए। हम फिर इनसे पूछते हैं कि आगे क्या इच्छा है? तो फायरिंग में करियर बनाना है। फायरिंग में ही? ऐसा तो ऐसा सुनने में आता है बेटा कि फायरिंग में जाने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी कीमत हाई होती है, बहुत हाई होती है, 1-2 लाख, 3 लाख अभी होती है उन सबसे। मनोबल है? बेगूसराय दानवीरों की धरती है, ऐसा मैंने पहले भी देखा है कि कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ बेगूसराय के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आपका हाथ, आपकी तिजोरी खुली हुई है। देखते हैं इस अंकिता बेटी के लिए आप कितना आगे बढ़ते हैं और बेगूसराय के कौन कौन दानवीर इस बेटी के दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो आपके परिवार में आपके पिताजी की आपने जो स्थिति बताई, अपने माँ की जो स्थिति बताई, बेटा ऐसे स्थिति में आगे की तैयारी कैसे होगी?
सर अभी मतलब मैंने मतलब सिलेक्शन हो गया मेरा मावलंकर के लिए, तो उसमें कुछ पैसे तो मुझे मिले हैं, मतलब 40,000 कर रुपए मिले हैं, तो उसमें बचा के रखूंगी फिर इन फ्यूचर काम आएगा तो। और वैसे भी जो हमारा एनसीसी है ना वो मतलब हमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुका है, जैसे किट होती है पहने के फायरिंग, जो किट पहन के हम फायरिंग करते हैं वो हमको दे दिया गया एनसीसी की तरफ से, वो दे दिया गया। फिर उसके बाद आइए मैं दिखाता हूँ कि चंडीगढ़ में ये कौन कौन से मेडल और क्या चेक मिले हैं इन्हें। एक देखिए, हम कैमरामैन दीपक को कहेंगे कि थोड़ा भी जो अच्छा से दिखाइए, 15,000 का चेक है, पकड़िए, ये ब्रॉन्ज मेडल का है। ये बेटा कौन सा कंपटीशन था जिसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये पिप साइड प्रॉन का था। अच्छा, वो क्या होता है? उसमें होता है क्या, जैसे लाइन पोजीशन आपका लेट के होता है। अच्छा। राइफल जर्मन राइफल से हमने फायर किया था, तो उसमें हमारे 600 का स्कोर होता है, उसमें 600 में से मेरा 574 आया था। 574। उसमें फर्स्ट कहाँ के प्रतिभागी थे? फर्स्ट तेलंगाना के थे। तेलंगाना के, वो तेलंगाना एक नंबर, उनका 575 था, मेरा 574 था, एक नंबर से एक नंबर से मात्र। सेकंड का कितना रहा था? सेकंड का भी 175 था। दोनों का सेम था? दोनों का सेम था। लास्ट के कार्ड से डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट और सेकंड हो। उनका जो टीएनपी तेलंगाना थी, तमिलनाडु जो भी है, उसमें से क्या था, उनका 575 था, लास्ट का कार्ड जो होता है वो उनका कितना था, 98 का था शायद। अच्छा। और जो फाइव जो दूसरे पोजीशन पे थी उनका फाइव, उनका लास्ट का कार्ड 92 का था और मेरा 99 का था। अगर मेरा एक नंबर और ज्यादा होता तो शायद गोल्ड मेडल इसमें भी आ जाता। चलिए बेटा कोई बात नहीं है, हम आज ब्रॉन्ज मिला है निश्चित रूप से हमारे बेगूसराय की धरती को, आगे गोल्ड भी होगा इस विभाग में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गोल्ड मेडल भी दूसरे विभाग में जीती है जिसमें 25,000 का चेक इन्हें मिला है, आप देख सकते हैं। बेटा ये कौन सा विभाग था ये बताओ? ये पिप साइड 3P मैच था। 3P में आपका तीन पोजीशन होता है, एक तो लेट के होता है और एक नीलिंग होता है जो बैक करा जाता है, और एक स्टैंडिंग होता है जो खड़े होकर किया जाता है, मैंने तीन तरह से होता है। तो इस पूछ रहा था बेटा कि आपसे कि जब फाइनल में पहुंची थी तो फाइनल पहुंचने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ियों के अंदर भी एक भय सा बना रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और उस समय जिस समय तुम्हें ये फाइनल में गोल्ड मेडल का प्राइज मिला होगा और अनाउंसमेंट हुआ होगा कि बिहार झारखंड यूनिट की बेटी अंकिता गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उस समय कैसा महसूस कर रही थी? सब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बिहार झारखंड का नाम सुन के ना, मतलब पहले तो हम जब गए थे ना एंट्री मारी थी तो सब बोल रहे थे बिहार झारखंड कुछ नहीं कर सकता है, मतलब ऐसे ही है क्योंकि नीचे से वो नीचे में आता था हमेशा, फर्स्ट में तो आता नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब बिहार झारखंड का नाम दो बार आया ना तो वहाँ के जो ग्रुप कमांडर ADG जो सर है हमारे, जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, बोलते आप कौन से डायरेक्टर के हो? मैंने कहा बिहार झारखंड। बोलते कि सही में उसी के हो? मैंने कहा कि हाँ। तो उनको लगा कि हाँ बिहार झारखंड भी कुछ कर रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। जो ये सोच रहे हैं कि बिहार झारखंड कुछ नहीं है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध भी इसी धरती से उपदेश दिए थे, आर्यभट्ट भी इसी धरती के थे और दिनकर भी इसी धरती के थे, आज अंकिता भी इसी धरती की है जिसने बिहार झारखंड का प्रतिनिधित्व की और देश स्तर पर बतलाई कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। बेटा आपको जो भी छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, जो इस और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? सो उनके लिए है कि अगर आपको फायरिंग करना है तो उसमें बहुत कुछ रूल्स होते हैं, मतलब मेडिटेशन, अगर आपको फायरिंग में जाना है तो या तो आप एनसीसी के थ्रू जा सकते हो या तो अपना स्पोर्ट्स के जरिए जा सकते हो। अगर आप एनसीसी के थ्रू जाते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा A to Z सामान, जैसे राइफल्स हो गया और ये एमुनिशंस जो राउंड्स होते हैं गोलियां, वो आपको प्रोवाइड करेगा और किट प्रोवाइड करेगा। अंकिता एक चीज़ और बताओ, आपने तो अभी तक एक यूँ कहा जाए कि खेल खेल में आपने यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आगे इसमें फ्यूचर क्या दिख रही हो? कि जैसे होता है बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिसमें सरकार की तरफ से भी आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरी में, क्या इसमें भी है? यस सर, इसमें भी है क्योंकि जब हमारा कोचिंग चल रहा था, मतलब कि हमें जब सिखाया जा रहा था कि फायरिंग कैसे करना है, तो फिर उसमें नेशनल के हमारे कोच आए थे लव प्रकाश सर, तो उन्होंने हमको बताया कि अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो मतलब इवेंट्स होते रहते हैं, फायरिंग का भी इवेंट्स होते रहता है। शिवान में एक रेंज है विज्ञानंद, वहाँ पर एक रेंज है, तो वहाँ पर श्रेयसी सिंह है जो अभी पॉलिटिकल बिहार सरकार में MLA है, बांका जिला जमुई से श्रेयसी सिंह, जिनके पिता पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह थे, माँ पूर्व सांसद पुतुल देवी, उन्हीं की बेटी की ये चर्चा कर रही हैं। हाँ बताइए। तो वो थे, उन्होंने भी वहीं पर फायरिंग सीखी थी, वहीं से फायरिंग उन्होंने भी स्टार्ट। अच्छा। की थी, तो वहाँ के जो मतलब CP सर हैं उन्होंने हमें मतलब एक अच्छा ऑफर दिया कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है इसको फायरिंग को, तो इवेंट्स होते रहते हैं, बस वहाँ पर वो शिवान में विज्ञानन में जाइए उस रेंज में, बस MO का पैसा मतलब देना पड़ेगा खुद से, बाकी सब रहना होना सब वहीं पर फ्री में। अंकिता एक चीज़ बताओ बेटा कि अपना रोल मॉडल किसे मानती हो? अभी तो मैं खुद ही को अपना रोल मॉडल खुद को ही रोल मॉडल। देखिए मैं कुछ दिन पहले अपने बेगूसराय की धरती के लाल विकास वैभव से मिला था, और विकास वैभव की एक पंक्तियां जो थी आज अंकिता पर सटीक बैठती है जो ये बोल रही है, उन्होंने कहा था कि दीवार पर घर में महापुरुषों के एक चलचित्र छाया चित्र को लगाते हैं और देखते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा इनसे सीखो, या बेटी खुद ऐसे कारनामे को की है जिससे आप सीखें समाज सीखे। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं, मैं खुद रोल मॉडल बन करके दिखा, क्या यही ना? आप जब इतना सफर तय किए
तो आपके परिवार का, आपके समाज का कितना सहयोग रहा आपके साथ? सर परिवार का तो बहुत सपोर्ट था। मम्मी पापा तो हिमाचल में रहते थे, तो शहर का तो होता है ना एक माइंड कि हाँ बेटी को आगे बढ़ाना है, बाहर बाहर जाने से कुछ नहीं होता ऐसे। लेकिन गाँव में एक होता है कि हाँ बेटी बाहर नहीं जाएगी, ऐसे वैसे कुछ हो जाएगा तो ऐसे से। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत दिल से मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कसम से। फिर उसके बाद डर खत्म हो जाता है कि हाँ वो बंदा क्या, मतलब वो आदमी क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ऐसे वैसे, तो वो डर खत्म। अब तो अंकिता अपने इस मोहल्ला ही नहीं बेगूसराय के लिए रोल मॉडल बन गई है। अभी ऐसा लगता है कि अभी से लोगों का आना जाना आपके यहाँ शुरू हो जाएगा, आपके आस पड़ोस में जो अभिभावक हैं उन लोगों से मिलना शुरू हो जाएगा। आपका एक दायित्व तो बेटा बढ़ गया है कि आपसे छोटे जितने भी आपके मोहल्ले में बच्चे हैं उनको सही रास्ता दिखाना भी आपका दायित्व तो बन गया। इसके लिए आप क्या करोगी? सर दिखाऊंगी सर इनको फायरिंग, जो मैंने सीखा है अभी तक, जो सीखा है मैंने उनको पक्का सिखाऊंगी मैं इनको, क्या जो भी है पर बच्चे जो मेरे पास आएंगे तो मैं इनको पक्का सिखाऊंगी। अच्छा बेटा एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, जो माता पिता ये सोचते हैं कि पढ़ाई के सिवा खेल में जो समय बर्बाद होता है तो वो अपने फ्यूचर को बर्बाद, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो उस माता पिता को क्या कहना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, स्पोर्ट्स में जितना करियर बनता है ना, नाम बनता है, इज्जत बनता है, उतना शायद ही पढ़ाई में बनता है। क्योंकि पढ़ाई से आप जो वगैरह कर लोगे, ठीक है, और जो वगैरह करोगे अपना ही घर देखोगे, वो देखोगे, ऐसे छोटा मतलब यहीं तक रहोगे ना, पढ़ाई करोगे तो यहीं तक रहोगे। अगर स्पोर्ट्स खेलोगे, स्पोर्ट्स करोगे वो इंटरनेशनल नेशनल बड़े बड़े आपको लोग पहचानेंगे आपको, ठीक है, लोग पहचानेंगे, इज्जत बनेगा आपका, ठीक है सब कुछ। अगर इज्जत बनेगा तो ऑटोमेटिकली जॉब तो अपने आप ही आ जाएगा ना आपके पास, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, फिर हम केवी स्टूडियो परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं। आप आइए और हम मिलवाते हैं इनके इस मोहल्ले के कुछ अभिभावक लोग हैं इनसे, और जानते हैं कि आज ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच देखिए इस मोहल्ले के कई अभिभावक लोग बैठे हुए हैं। सर आपके मोहल्ले की बेटी आज नेशनल जीत कर आई है, इससे कुछ आप लोगों को भी प्रेरणा मिली होगी कि आपके परिवार में, आपके समाज में और बच्चे होंगे तो उनके लिए एक ये रोल मॉडल बन गई है। अब उनके लिए आप लोगों का क्या दायित्व है? मेरा दायित्व है ऐसे आगे बढ़ाना, सहयोग करके, और मेरा एक निवेदन है कि बिहार सरकार से कि कुछ मदद किया जाए। बिहार सरकार से? हाँ, इनका निवेदन है बिहार सरकार से कि इस गरीब परिवार की बेटी को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग हो ताकि यह बेटी आगे की ओर बढ़े। हमारे बीच एक और अभिभावक हैं और ये बुजुर्ग अभिभावक हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में जब अपने मोहल्ला की बेटी को इस स्तर पर देख रहे हैं। तो लोग को बहुत खुशी हुई, मिठाई चला जरूर खाए, जरूर आप लोग खिलाए या अरे दोनों तरफ से होगा कि दोनों तरफ? हाँ सब सुन लीजिए, सब आदमी को खुशी है, ये बात नहीं। बेटी का सम्मान जिस तरह से किया गया है, मैं वो भी दिखाऊंगा कि ये लोग किस तरह से बेटी का सम्मान किया है। हमारे बीच एक युवा नेता भी हैं जो अपनी पहचान बेगूसराय नहीं, बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं। कुछ दिनों पहले जैसा कि इनसे मेरी बातचीत में पता चला कि इन्होंने एक पार्टी को छोड़ दिया और दूसरे पार्टी को ज्वाइन किए हैं, लेकिन उसके पीछे भी समाज सेवा है। इनकी माँ बेगूसराय की लगातार नगर पार्षद रही हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ जो इस बच्ची के इस उपलब्धि पर उनकी क्या राय है। हमारे बीच हैं चिराग गुप्ता जी, चिराग गुप्ता जी से बात करता हूँ। चिराग गुप्ता जी, आज आपके इस शहर और आप कई राजनीतिक पार्टियों में, यहाँ तक कि आपके पार्टी के नेता कद्दावर नेता माने जाते हैं, भारत सरकार में मंत्री भी हैं पशुपतिनाथ पारस जी, आपका एक दायित्व सा बन गया है इस बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या करेंगे? जरूर जरूर, मैं मेरी तो पहले सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा और खूब सारा आशीर्वाद प्यार देना चाहूँगा कि मेरी समाज से, हमारे समाज से मेरी बहन अंकिता कुमारी जो गोल्ड मेडल जीत कर इस बिशनपुर ग्रामवासी शर्मा टोला ग्रामवासियों का मान और सम्मान दोनों बढ़ाई है, तो मैं सबसे पहले इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ दूंगा और मैं साथ में ये अपील भी करूँगा कि ये बच्ची अंकिता कुमारी जो गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं, इनका इस बेगूसराय दिनकर की धरती पे बिशनपुर ग्रामवासी शर्मा टोल से ये अंकिता बहन अंकिता जिन्होंने जो काम किया है इसके लिए मैं जहाँ तक जो भी सहयोग होगा मैं खुद सहयोग करूँगा और मैं निवेदन करूँगा बेगूसराय के नगर विधायक, बेगूसराय के सांसद महोदय आदरणीय गिरिराज सिंह जी से, बेगूसराय में तमाम सामाजिक संगठन जो भी काम कर रहे हैं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि इस बच्ची को आगे बढ़ाने में अपना आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, जिस तरह से भी सहयोग बनता है आप दें और इस बेटी को, बिशनपुर बेगूसराय की बेटी को जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है इसको आगे बढ़ाने में तमाम जनप्रतिनिधिगण आगे आए और एक साथ बेगूसराय का नाम रोशन। हम इनसे भी जानेंगे आज अंकिता की उपलब्धि पर ये कैसा महसूस करें। सर कैसा महसूस करें? बहुत अच्छा। हमारे पुरखों ने कहा है कि एक बेटा अगर पढ़ लिख ले तो एक कुल का नाम रोशन करता है, एक बेटी अगर पढ़ लिख ले तो दो कुल का, दो गांव का नाम रोशन करती है, लेकिन एक बेटी अगर खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए तो दो कुल नहीं, दो गांव नहीं, राज्य, देश और विश्व में अपना नाम रोशन करती है, अपने समाज का नाम रोशन करती है। तो इनका कहना है कि जितने भी बच्चे हैं ये सभी बच्चे अंकिता से सीखें और अपना भविष्य आगे की ओर बेहतर बनाएं। क्या सही बात?
हमारे बीच एक और अभिभावक हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आज ये इस मोहल्ला में जब अंकिता को प्रवेश करते हुए देखे, मेडल लेते हुए, तो कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। आगे क्या आशीर्वाद है आपकी तरफ से? हम लोग का है आशीर्वाद यही, जो और बच्चा लोग सीखे और अच्छा बने और सीखे और आगे बढ़े, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करे। हमारे बीच अंकिता के पिताजी हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले केबीएस स्टूडियो में सर आपका स्वागत है। इस सफर तय करने में आपको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ आई? मेरे को अभी तक तो कठिनाई नहीं हुई है, जो कठिनाई हुई है झेल के मैंने किया। वह बताइए कि क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी बेटी के लिए? हमारे दर्शक जो भी देखिए, ऐसा लगता है कि गार्जियन देख आपके जाना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मैंने लड़की पे ही छोड़ दिया, तेरे क्या करना है, जो करना है अपने मर्जी से करो, मैं तेरे साथ हूँ, बस यही मेरा कहना है। एक चीज और होता है सर कि जो समाज के ताने बाने अभी भी हमारे समाज शिक्षित हो चुके हैं, वो तो सबको किसको मुंह पकड़ लेंगे, जिसका जो बोलना है बोलते रहे, मेरा अपना जो मर्जी किया है मैं। अब तो वो मुंह बंद हो गया होगा। हाँ, अब तो बंद हो गया, अब आशीर्वाद आना शुरू हो गया। हाँ, अब आशीर्वाद आना शुरू हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज बच्चे ने नाम रोशन किया? हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि और पढ़े लिखे और आगे तक पहुँचे। ये अंकिता के पिताजी हैं और ये अंकिता के माँ हैं। अंकिता जब यहाँ से जा रही थी हरियाणा के लिए, तो उस समय क्या क्या तैयारियाँ की थी आप लोग? जो जो उसको एनसीसी में लगता है वो तैयारी किए थे। अंकिता जब बोली होगी कि वहाँ जाएंगे, खर्च लगेगा ट्रेन का, वहाँ ठहरने का खर्च लगा होगा, तो उस समय हो सकता है आपके घर में पैसे नहीं होंगे, तो उस समय मन कैसा लग रहा था? ऐसा कोई बात नहीं है, इतना भी नहीं है कि उतना पैसा नहीं हो, उतना व्यवस्था कर लेते हैं। चलिए, एक बेटी के लिए माँ का क्या प्यार होता है आप समझ सकते हैं, और खुलकर नहीं बोलना चाह रही हैं। मुझे भी पता है कि ये इनका कपड़ा रहन सहन बता रहा है कि ये किस लेवल से बेटी को चंडीगढ़ भेजे होंगे। आपका सही, मैं पुनः कहता हूं कि इस बेटी को आगे बढ़ने में आपका आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी बेटी और आगे जाएगी, अब नेशनल के लिए है, अब इंटरनेशनल स्तर पर जाएगी, तो उसमें आपका कैसा आशीर्वाद रहेगा? आशीर्वाद रहेगा। एक माँ अक्सर कहती है जब बेटी जवान होने लगती है, तो वो पिता से अपने परिवार के लोगों से कहती है कि अब इसकी शादी कर दीजिए, अब ये दूसरे दुनिया के लायक हो गई, ससुराल के लायक हो गई। और हमारे समाज में बुजुर्गों का जो एक ताना बाना है कि बेटी का जीवन चौका आवासन तक ही सीमित है, इसमें अपने बेटी को आप कहाँ देख रही हैं? आगे तक पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे तक, हाँ जहाँ तक। चलिए, ये कह रही हैं उस ताने बाने से आगे बढ़ना है, हमें बेटी को आगे बढ़ाना है, इसके लिए जहाँ तक हो ये मेहनत करते रहेंगे, करेंगे। हम पुनः एक बार अंकिता के पिताजी से अंतिम संदेश लेते हैं, आप तमाम दर्शकों के लिए हुए प्रतिभागी जो खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता को लगता है कि यह गलत रास्ते पर हमारा बेटा जा रहा है, उन सभी जितने भी श्रोता हमारे हैं, जो गार्जियन हैं, जो आज आपको सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो बोलते हैं कि सब अपने बच्चे को दिल खोल के करने दे, अपना कोई भी शायद उसका मनोकामना पूरा करने दे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बेगूसराय की बेटी अंकिता के कारनामे की चर्चा। युवा नेता चिराग गुप्ता जी हैं जो अंकिता के माता पिता को पुष्पमाला से सम्मानित करना चाह रहे हैं। आप देखिए कि एक युवा नेता इस बच्ची के कारनामे से कितना खुश हैं कि आज अंकिता के माता पिता दोनों को पुष्पमाला से सम्मानित कर रहे हैं। आपके शहर की बेटी है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है इसे, आप आए इन्हें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अंतिम वाक्य में आप तमाम दानवीरों से कहते हुए कि अंकिता में प्रतिभा कोट कोट कर भरी हुई है, अगर नहीं भरी होती तो जो बिहार 17वें स्थान पर था वो आज पूरे भारत में 3रे स्थान पर नहीं होता। आप आए अंकिता को अपना आशीर्वाद दें, अंकिता बेगूसराय का नाम, बिहार का नाम और भारत का नाम रोशन करे, इसी शुभकामनाओं के साथ कैमरामैन दीपक के साथ मैं राणा कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।